गाइस वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ फरीदाबाद के NIT एरिया में बने रोज़ गार्डन में, जो कि यहाँ के दशहरा ग्राउंड के एकदम सामने हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या खास है। सबसे पहले आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे पार्किंग एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो ये है यहाँ की पार्किंग एरिया। देखिए यहाँ पे आप अपनी गाड़ी या अगर आप बाइक से आते हैं तो अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है रोज़ गार्डन का मेन गेट। तो यहाँ से जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको ये व्यू दिखाई देगा। ये है यहाँ सामने का दृश्य जिसके बीचों बीच आपको एक स्टैचू दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्टैचू है ये है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का। ये जो स्टैचू है ये यहाँ पे 2010 में उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने यहाँ पे लगवाया था। ये देखिए यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। 20 अगस्त 2010 में ये यहाँ पे लगाया गया था। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको बच्चों के लिए झूले दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि झूले एक ऐसी जगह है जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अगर कोई गार्डन है और वहाँ पे झूले ना हो तो बच्चों का तो मन ही खराब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे झूले दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तरीके के यहाँ पे झूले बच्चों के लिए लगाए गए हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो झूले हैं एकदम फ्री है, यहाँ पे कोई भी कॉस्ट यहाँ पे आपको नहीं देनी पड़ेगी। और ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इसको, काफ़ी लोग अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। आप भी छुट्टी वाले दिन बच्चों को लेके रोज़ गार्डन घुमाने ले जा सकते हैं। देखिए काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के झूले हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दृश्य ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हुए। देखिए झूलों के साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने वाले भी दिखाई दे जाएंगे। देखिए फुटबॉल है यहाँ पे और कुछ गुब्बारे वाले खड़े हैं, आप इनमें से अपने मनपसंद का जो भी बच्चे को पसंद आता है उसके लिए यहाँ पे खिलौना खरीद के दे सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगती है तो उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रबंध है, हल्की फुल्की अगर आपको भूख है तो यहाँ पे आप भेलपूरी खा सकते हैं, क्योंकि भेलपूरी वाला भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और भेलपूरी के साथ साथ अगर पानी पूरी भी हो तो क्या मज़े, देखिए बहुत ही बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर लोग, पानी पूरी भी खा रहे हैं। ये है दूसरे गेट से एंट्री। दूसरे गेट से जब आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको राइट साइड में जो दिखाई देगा मॉड्यूलर चिल्ड्रन प्ले कॉर्नर आपको दिखाई देगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों के लिए नई टेक्निक के साथ बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए साथ ही साथ ओपन जिम भी बनाया गया है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ भी इंजॉय करते आपको दिखाई दे जाएंगे। आप भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को झूले पे झूलते देख अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी, तो आप भी यहाँ पे आएं और अपने बचपन की यादें ताज़ा करें। ये है ओपन जिम।
देखिए काफ़ी ऊंचाई पर ये चढ़ गया है, लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पे सावधानी भी बरतनी पड़ेगी ताकि आपको कोई चोट ना लगे। इन्जॉय कीजिए लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा बहुत ही खूबसूरत फुटपाथ, जो कि यहाँ पे पब्लिक के चलने के लिए बनाया गया है। दोनों तरफ फूल वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए हरियाली काफ़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। और जैसे ही आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक आपको पत्थर की शिला दिखाई देगी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। उसके ऊपर यहाँ की डेट लिखी हुई है जब ये रोज़ गार्डन बनाया गया था। ये देखिए, इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था माननीय चौधरी देवीलाल जी द्वारा, जो उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और 1988 को इसको बनाया गया था। रोज़ गार्डन हो और वहाँ पे फूल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, यहाँ पे देखिए काफ़ी सेपरेट एरिया बनाया गया है, फूल लगा रखे हैं वहाँ पे, काफ़ी रंग बिरंगे फूल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे, जो यहाँ की इस रोज़ गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। ये देखिए काफ़ी फूल हैं यहाँ पे, बहुत ही रंग बिरंगे फूल। ये देखिए येलो, रेड। छुट्टी वाले दिन आप बच्चों को लेके यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपनी फैमिली को लेके, तो आप भी यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और इतनी बढ़िया अगर पार्क आपके लिए बनाई हुई है तो उसका ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और क्या है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक फाउंटेन हुआ करता था बहुत ही खूबसूरत, किसी टाइम में बोलते हैं लोग, मैंने तो नहीं देखा कि जब यहाँ पे ये अच्छे से हुआ करता था, लेकिन आज जो मुझे ये दिखाई दे रहा है काफ़ी दयनीय हालत है इसकी। देखिए काफ़ी बुरी हालत में है ये, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फाउंटेन था ये यहाँ पे। जब यहाँ पे ये चलता था तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा। तो आगे चलेंगे तो आपको पेड़ों के नीचे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, तो आप वहाँ पर बैठ के कुछ बातचीत कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सिटिंग एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, अलग अलग जगह बना रखी हैं बैठने के लिए, और काफ़ी सारी ग्रीनरी है यहाँ पे। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा अगर आप सुकून चाहते हैं तो यहाँ पे पार्क में आके थोड़ा सा आप सुकून प्राप्त कर सकते हैं। नेचर के पास देखिए पंछी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, और ये देखिए गिलहरी कितने आराम से यहाँ पे बैठी हुई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे बने ओपन एयर थिएटर में। जी हाँ, यहाँ पे जो ओपन एयर थिएटर है ये 7 मार्च 2020 में बनाया गया था, और यहाँ की एमएलए जो हैं सीमा त्रिखा, उनके द्वारा ये बनाया गया है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ रंगारंग कार्यक्रम होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये है यहाँ की स्टेज। तो देखिए यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए हैं जो कि वेट मशीन रख के बैठे हैं, तो अगर आप अपना वेट जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनसे अपना वेट भी चेक करा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ पर आके इन्जॉय कर सकें। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी ढेर सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जितनी भी मेरी नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।